अब अगला सवाल ले लेते हैं और हैदराबाद से रेवंत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रेवंत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, रेवंत बात कर रहे हैं। सो मेरा पास IRB इंफ्रा है, मेरे पास 1600 शेयर्स है, एट द एवरेज प्राइस ऑफ 58 रुपीज लिए थे, उसको और कितने दिन रख सकते हैं? माई व्यू इज फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months. So I just would like to know this one, okay. IRB Infra, and मेरे पास Tata Power है, 200 share है, 378 के भाव से लिए थे। ठीक है, चलिए कांग्रेचुलेशंस, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है दोनों ही स्टॉक में और हाल फिलहाल की खरीद लग रही है और उस एवरेज जो प्राइस आपने बताई उस भाव से तो अच्छे लेवल्स पर इस वक्त दोनों ही स्टॉक पहुंच चुके हैं। अंशुल जी क्या सलाह देंगे, दो स्टॉक पर राय, दोनों स्टॉक पर राय दीजिए, IRB इंफ्रा और टाटा पावर, जो इनका नजरिया है वो 3 से 6 महीने का है, तेजी के लिए रुके और या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं? देखिए पूजा जी, लास्ट वीक में जब आपके शो पे IRB डिस्कस हुआ था, दो हफ्ते की बहुत टाइट साइड बार पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया था और मंथली चार्ट पे ओपन लो था, तब से मैं कहते आ रहा हूँ कि मंथ हाई पे क्लोज करेगा, इमीडिएट स्विंग हाई 7190 का टारगेट दिया था जो ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ है। अब बस इसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा 72 के ऊपर, ये स्टॉक लगभग 80-82 की तरफ चलेगा, तो बिल्कुल इनको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर नया पैसा डालना भी है तो 72 के ऊपर ऐड कर सकते हैं, दोनों केस में टारगेट 80-82 के आसपास रहेगा। दूसरा, टाटा पावर में फ्रेश मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया, वीकली में अच्छा कंसोलिडेशन रहा है, 3 inside bar से ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से टाटा पावर में 475-480 तक की अपसाइड आराम से बन सकती है। तो आउट ऑफ द टू अगर एक लेना है तो मैं एनी डे IRB में यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। दोनों स्टॉक होल्ड करना चाहिए, 82 तक IRB और 475-480 तक टाटा पावर।